हेलो गाइस, हमारे इस चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे कैसीफाई से लेके आया हुआ आईफोन 11 128 GB, जो कि फेयर वाला था। तो आप इधर चेक कर सकते, इधर फेयर है, ब्लैक है, 128 GB है आईफोन 11। तो ये मेरे को कितने का पड़ा उसके बारे में भी मैं बात करूँगा, और मेरे को जो बिल मिला है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो चलिए पहले डिवाइस को ओपन करते। तो मैं अभी बेंगलोर में रह रहा हूँ, तो मैं बेंगलोर में जो BTM लेआउट में उन लोगों का एक शॉप स्टोर है, मैं उधर से जाके इसको लेके आया हूँ। और मेरे को ये मतलब पहले उधर जाने का जो फ़ायदा हुआ वो मैं बता देता हूँ गाइस। और गाइस, कैसी फर्ज से जब भी आपको परचेज करना है, कैसे परचेज करना है उसके बारे में भी मैं बता देता हूँ। आप उसी स्टेप को फॉलो कीजिए, आपको ज़्यादातर मतलब जो अगर प्रोडक्ट जो भी मिलेगा आपको अच्छा ही मिलेगा, ख़राब नहीं मिलेगा। उस हिसाब से आप लोग लेने का ट्राई कीजिए। तो गाइस, ये जो फ़ोन है ये मैं स्टोर से जाके उठा के लेके आया हूँ। तो चलिए इसको ओपन करते। ये है गाइस बिल। तो आप स्टोर से जाके अगर परचेस करेंगे तो कैशिफाई का, तो मैं आपको दिखा देता हूँ मेरे को कितने का पड़ा। गाइस, आप देख सकते मेरे को टोटल बिलिंग आया है 23,668 रुपीज़, 128 GB, ब्लैक कलर का, जो कि फेयर कंडीशन में है। इधर आप देख सकते फेयर कंडीशन में है। तो गाइस, ये है बिल, इसको साइड में करते। तो आपको कैसे परचेस करना है उसके बारे में बता देता हूँ। देखिए गाइस, ये है डिवाइस, मैं ऑलरेडी इसको यूज़ कर रहा हूँ। मैं ऑलमोस्ट 10 दिन बाद इसका वीडियो बना रहा हूँ, आप चेक कर सकते हैं। ये है डिवाइस, आप देख सकते हैं ब्लैक कलर का, कंडीशन बहुत ही अच्छा है। और इसका जो थ्री टूल्स का जो रिज़ल्ट है वो मैं ऑलरेडी चेक कर लिया हूँ। आपका इसका स्क्रीनशॉट मैं डाल दूंगा। और डिवाइस आप अच्छे से पहले चेक कर लीजिए क्वालिटी कैसा है। फेयर कंडीशन का डिवाइस है, बट कोई भी छोटा मोटा मतलब बहुत ज़्यादा स्क्रैच आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। और ये जो है इसमें कोई चेंजेस नहीं किया हुआ है, बैटरी भी ओरिजिनल है, बैटरी भी अभी तक चेंजेस नहीं हुआ है। मेरे को जब ये डिवाइस मिला 86% बैटरी था। आप देख सकते इधर एक छोटा सा आपको स्क्रैच मिलेगा वॉल्यूम स्लाइडर में, देख लीजिएगा इस वॉल्यूम स्लाइडर में एक छोटा सा स्क्रैच है। और इधर चार्जिंग पोर्ट में थोड़ा सा डिसकलर है, आप देख सकते हैं, थोड़ा सा मतलब नेगोशिएबल डिसकलर है इधर, ठीक है। और कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम इधर उधर आपको नहीं दिखेगा। डिस्प्ले भी ओरिजिनल है, मैंने थ्री ओ टूल से चेक किया हूँ। तो ये है गाइस डिवाइस। आपको अगर मतलब डिवाइस परचेस करना है तो आप कैसीफाई का स्टोर पे जाइए। स्टोर पे जाने के बाद हाथ पे आप फ़ोन लीजिए, 1 से 2 घंटा वेट कीजिए, पूरा फ़ोन को चेक कीजिए अच्छे से। अगर आपको लगे कि नहीं डिवाइस सही नहीं लग रहा है, ज़बरदस्ती बाई मत कीजिए। मैं उधर जाके खड़ा होके ऑलमोस्ट 1 to 2 आवर मैं इन्वेस्ट करके पूरा देख के डिवाइस को, उसके बाद मैं इसको परचेस किया हूँ। एज अ सेकेंडरी डिवाइस मेरे को यूज़ करना है। तो आप देख सकते ये है डिवाइस, मैं इसका एक लॉन्ग टाइम जो रिव्यू है वो मैं लेके आऊँगा। मैं इसको देखिए अभी आपको दिखा देता हूँ, मैं इसका जो बैटरी हेल्थ है देखिए अभी 84% है। मैं 86 में लेके आया था, तो ये जो है 84% अभी जो दिखा रहा है ये ओरिजिनल बैटरी बैकअप है, मतलब ओरिजिनल बैटरी है, अभी तक रिप्लेस नहीं हुआ है। तो बैटरी रिप्लेस करने के बाद मेरे को अभी तक 3 महीना का वारंटी है बैटरी, चार्जर और एडाप्टर में। तो मैं 3 महीने में 80% के नीचे आ गया, तो मेरे को फ्री में बैटरी रिप्लेसमेंट मिल जाएगा। तो मैं जाऊंगा रिप्लेस करा के आ जाऊंगा, उसका भी वीडियो बनाऊंगा। और इसका एक लॉन्ग टाइम
जो वीडियो है वो भी बनाऊंगा, और इसका 3U टूल्स का जो रिज़ल्ट है वो रिज़ल्ट भी आपको दिखा दूंगा। आपका जो स्क्रीनशॉट है मैं लेके रखा हूँ, वो स्क्रीनशॉट भी आपको दे दूंगा, आप चेक करके देख सकते हैं। और अगर आपको ये डिवाइस के बारे में कोई भी क्वेश्चन है उसके बारे में आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, जितना भी आंसर मेरे से हो सकता है वो मैं कर दूंगा। और कुछ भी जानना है आप नीचे कमेंट कीजिए, मैं आपको बताता हूँ कैसे क्या करना है। तो गाइस ये वीडियो अभी इधर ही ख़त्म करते हैं, एक लॉन्ग टर्म वीडियो आएगा। और अगर बैटरी रिप्लेसमेंट करना पड़ा 80 के नीचे और विद इन 3 मंथ तो मेरे को फ्री में हो जाएगा, वो उसका भी एक वीडियो लेके आऊँगा। तो गाइस ये वीडियो इधर ही ख़त्म करते हैं, मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।